पॉइंट समझना है। बेटा तुम खड़े क्यों हो क्लास में? सीट नहीं मिल रही, आगे आ जाओ। फिर तेरी बहन को जब कोई कहेगा यहाँ आके बैठ जा, फिर अच्छा लगेगा? थोड़ा लिमिट में रहना चाहिए ना। बैठ जाओ बेटा। चलो अपने देखो, अपने व्यवहार को ऐसा रखो जैसा तुम दूसरे के साथ करो, तुम्हारी बहन के साथ वही होगा। यहाँ नहीं, जहाँ वो कॉलेज में जाएगी वहां होगा, बस में होगा, ऑटो में होगा। तुम घटिया हो ना किसी के लिए, तो तुम्हारी बहन के लिए 100% कोई ना कोई घटिया। भगवान जो है, कर्मा रिटर्न्स बैक है। बड़े अच्छे कई एड्स हैं, उसमें एक जवान लड़का ना सीटी बजा रहा होता है, तो उसकी माँ, देखा तुम लोगों ने वो, उसकी माँ कहती है बेटा मत कर, तुम्हारी उम्र का था वो लड़का। उसकी माँ लगा लो मेरी एज की, मुझसे 2-4 साल बड़ी होगी। वो इरिटेट हो जाती है, तो फील करता है कि मेरी माँ ऐसा क्यों, मतलब क्यों चिढ़ रही है सीटी बजाने से, घर में बैठ के बजा रहा था सीटी। तो उसकी माँ को याद आता है कि जब मैं रोज बस स्टॉप पे जाती हूँ, एक घटिया लड़का वो रोज उसको परेशान करता है, उस 45 साल की औरत को। तो उसको फिर फील होता है कि ये मेरा बेटा जो हरकत कर रहा है, ये उस लड़के से मेल खाती है। एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ जवान लड़कियों का नहीं होता, आप गलत कर रहे हो ना, कोई आपकी माँ के साथ, आपकी बहन के साथ, कहीं ना कहीं कोई गलत करेगा फिर। इसलिए समाज को अच्छा बनाओ, क्लास को ऐसा बनाओ, कोई लड़की वहां से अगर आ रही है और तुम कह रहे हो यहाँ आ जा, तो ये ठीक है, ये अपने आप सोच के देखो। ये हमारी परवरिश को भी दिखाता है कि हमारी परवरिश कैसी माने की है। अपनी बेटियों को जितने हम संस्कार देते हैं ना, उससे ज्यादा बेटों को देने चाहिए, क्योंकि गलत करने वाले लड़के ही तो है ना, किसी के प्रति गलत कमेंट करने वाले, ये ठीक नहीं होता। इतने काबिल बनो कि कोई तुम्हारे साथ बैठना चाहे।